हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये देखते हैं अपने अगले स्टॉक के बारे में। अपना जो अगला स्टॉक है बायोकॉन लिमिटेड है। बायोकॉन लिमिटेड की बात करें तो 9.50 रूपए बढ़त के साथ 271.15 रूपए पे क्लोजिंग दिया है। अभी देखा जाए तो ये जो रेड कलर की लाइन आपको देखने को मिल रही है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है। अभी इसके ऊपर चला तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और देखिये नीचे जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ये सपोर्ट से ऊपर गया है। अगर ये यहीं से ऊपर चला जाता और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता तो अपने लो को ब्रेक नहीं करे। देखिए यहाँ पे आया नीचे, बट अपने लो को ब्रेक करके नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसलिए ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाया। अगर यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर चला जाता और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो ये सस्टेनेबल रहेगा, बहुत अच्छा। इसके ऊपर जैसे जाता है, ये एरिया क्रॉस करता है, ये पॉजिटिव में इसको कंसिडर करें। 280 के ऊपर जैसे जाता है तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। और ये 200 डेज का मूविंग एवरेज कितना है, 261.55 रूपए, तो 260 आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो अब इसमें एंट्री लेना कोई मतलब नहीं बना, क्योंकि आप एंट्री लेते हैं और ये आके अपने लो को ब्रेक कर देता है, फिर नीचे की तरफ आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस ये हिट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, जैसे ये अपने हाई को क्रॉस करता है, ये 280 के ऊपर जाता है, आप इसमें एंट्री बना लीजिए। और एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो और अच्छा है, और कंफर्मेशन मिल जाएगा, और मतलब स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आप इसमें एंट्री बना लेते हैं, और स्टॉप लॉस 260 के करीब में रखेंगे, और फर्स्ट टारगेट आप रखेंगे 300 के करीब में, 299-298 के करीब में फर्स्ट टारगेट रखेंगे। और सेकंड टारगेट की बात करें 320 के करीब में आप सेकंड टारगेट रखेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस आप ये 200 डेज मूविंग एवरेज का होना चाहिए, 260 के करीब में ही होना चाहिए। बट ये 280 क्रॉस करता है, डेली कैंडल सस्टेन करता है, तभी आप इसमें एंट्री बनाइएगा। अदर इसमें अभी एंट्री बनाते ही नीचे आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, इतना सिक्योरिटी है। तो मिलता है अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।